तो भाई ये देख लो कंडीशन की क्या कंडीशन हुई है 3 महीने तक रखने के बाद। ठीक है, तो 3 महीने घर के अंदर रही है इसी कंडीशन में, तो पूरी धूल उल जमी पड़ी है। अभी अभी जाएंगे इसको बनवाने के लिए, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करा लेंगे आज। ये जो आपका ब्रेक है यही ये टूट गया है, और ये है आपके एग्जॉस्ट, ये देखो स्क्रैचेज आए हैं थोड़े थोड़े, मिनिमल थे, थोड़े कुछ समझ में नहीं आए हैं। तो चलिए बाइक पे मिलते हैं, देखो कैसे स्टार्ट किया जाएगा इसको, बस वो देखो पहले। सो गाइस, अभी बड़ी मशक्कत के बाद चालू हो पाई है, तो अभी चालू हो चुकी है बाइक अपनी, और प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है देख लो, एक्चुअली फेलियर का प्रॉब्लम है जो कि अभी फिक्स कराएंगे ले जाके, देखते हैं क्या होता है, और थोड़ा गर्म करने के लिए छोड़ेंगे अभी, बहुत 3 महीनों से गर्म नहीं हुई थी, थोड़ा गर्म करेंगे इसको उसके बाद ले जाएंगे। और ये रहा अपना गियर, इसको पहनेंगे फटाफट एकदम पहनेंगे और निकलते हैं यहाँ से। तो चलो अब सीधे कैमरे पे निकलते हैं, 1 2 3 चलो। अरे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई ये चीज मैं बोलने के लिए 3 महीने से वेट कर रहा था, और अभी तो मैं 1 घंटे से अपनी बाइक को ढकेल रहा हूँ ताकि चालू हो जाए, और चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत प्रॉब्लम के साथ अभी ये चालू हुई है। भाई मजा आ गया यार, इसीलिए तो मैं इस बाइक को प्यार करता हूँ। भाई क्या हुआ यार, तो भाई ये क्या हो रहा है यार, ये तो पूरी तो थोड़ा खड़ी हो गई है। मैं पूरे सिर भी फोड़ दिया है यार, बस ये रहेगी यार बाइक बंद ना हो, अगर बाइक बंद हो जाती है ना तो हालत खराब हो जाएगी। भाई वो देखा था क्या ही लड़ाई की है भाई, पूरे के पूरे लोग जुट रहे थे सबके, भाई खून 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 हो रखा था। Oh.
हाँ यार, 3 महीने के बाद भाई अगर अपनी बाइक कुछ हो ना भाई, तो ये फील आती है कि पूछो मत। कितनी तगड़ी फील आ रही है अभी भाई। कोई बाइक नहीं चलाया हूँ मैं इस टाइम में, दोस्त की बाइक चलाया हूँ अपनी एक बस, और कोई बाइक ही नहीं चलाया हूँ मैं। और अभी मेरा पैर पूरी तरीके से सही तो हुआ नहीं है भाई, बट आप लोगों से बातचीत करनी थी तो बात करने के लिए बाइक उठानी पड़ी। बहुत दिन हो गए थे यार भाई, बहुत दिन हो गए थे मेरे को भूले हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल हाइपर राइडर। गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब आज मस्त सिवाई आ रही है, तगड़ी वाली। इतनी मेहनत करी है ना, इतनी मेहनत करी है अभी इसको स्टार्ट करने के लिए, पूरा पसीना पसीना हो रखा है भाई अंदर तक, हेलमेट तो पूरा भीग चुका है अंदर से। मैंने कैसे कैसे अपने दिन काटे हैं ना वो मैं ही जानता हूँ। इतनी भाई प्रॉब्लम्स हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, घर बैठे बैठे इतने दिमाग ख़राब हो जा रहा था भाई दिन भर, मतलब दूसरों की वीडियोस रील देखते हुए। मैं सोच रहा था कि भाई मैं कब ठीक हो जाऊँगा, मैं फिर से कब वीडियोस बनाऊँगा। तो फाइनली यार आज वो दिन है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज। और अभी अपने पहुँचने वाले हैं अपने एक भाई हैं या फिर मैकेनिक हैं, जो अपनी थोड़ी बहुत जो काम होती है बाइक में वो कर देते हैं। अभी ब्रेक उनसे सही कराएंगे क्योंकि ब्रेक टूटा हुआ है यार, ब्रेक के बिना बाइक चलाना सही नहीं है, तो ब्रेक सही करा लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे। अभी मेरे को जाना भी पड़ेगा शूटिंग शूटिंग पर बाइक को सही कराने के लिए शूटिंग करने से। अभी तो बस नॉर्मल में करा पाऊँगा सही, क्योंकि ये पूरा सही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे KTM का शोरूम है नहीं भाई, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर दूर एक है, एक 90-100 किलोमीटर से एक है भाई, सब 100 किलोमीटर के बाद ही आते हैं यहाँ पे KTM के शोरूम। और अभी तक देख रहे हो नंबर प्लेट तक नहीं लगाया है हमने, तो ही मतलब यार मैं लाया था 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया, मैं क्या ही बताऊँ। भाई अभी चल रही है वॉशिंग अपने वैलम की, और जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट हो गई है, बहुत मिनिमल प्रॉब्लम थी, मैं आपको अभी बता दूँगा थोड़ी देर में क्या प्रॉब्लम थी। जो एक्चुअली फेलियर था हमारा वो बहुत ही आसानी से ठीक हो गया है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है। सुबह जब भी बाइक होती एकदम टन टनाटन धूल के एकदम साफ सुथरी हो गई, तो अब लेकर के निकलते हैं यहाँ से। हो थोड़ी सी राइडिंग हो जाएगी आराम से चले, क्योंकि यार बहुत अभी तो जाम दिख रहा है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा क्राउड हो गया है अभी, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा होने लगा है। Thank you.
मैं भी यार थोड़ा काम कराना बाकी यार बाइक में। अभी घर जाकर लूप वूप करेंगे क्योंकि चैन वैन ख़राब हो रखे हैं भाई, ये जंग लगे पड़े हैं। तो अभी तो यार काफ़ी मज़ा आ गया, थोड़ी यार हाइपर एक मज़ा दे देती है अपने। बाइक से ताड़ा एड्रेनलिन रश कोई बैठने के सकती है यार।